कोई तूतूमय नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है। जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, और जो कोना कोना कौन कोना सतली पुतौ कोना करना चाहते हैं वो यही गुना गणित करेंगे। राष्ट्रकवि दिनकर ने एक बात कही है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठैत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता है। ये वो इंसान हैं जिनके चलते वेदांता का 50,000 करोड़, सुनना बैठा लीजिएगा संबित पात्रा की तरह, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए। और ये जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरण दास कौन है, पूछिएगा उनको कि कौन है। समाजवादी आंदोलन के रीढ़ चंद्रशेखर जी की सरकार में ये मंत्री रहे हैं। किसी के लिए कुर्सी कुर्सी बड़ा खेला होगा, लेकिन मैं आज भी कहता हूं ये भारत है, बेईमान लोग यहां पे होंगे, लेकिन ये धरती आज भी त्याग तपस्या और ईमानदारी से चल रही है, इस पे भरोसा रखिए। क्या कह सकता हूं मैं, देश की बड़ी पार्टी है वो, सिर्फ बिहार की 40 पर क्यों, देश की पूरी 543 सीट पे लड़े और भाजपा को शिकस्त दे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी बयान से पूर्व जमीनी आकलन उसका मूल्यांकन बेहद आवश्यक है, अन्यथा इस तरह के बयान मायने नहीं रखते। एक चीज बताइए, जो बयानबाजी चलती है, ये गठबंधन में क्या दिख रहा है? देखिए, मैं इस तरह के बयान जो आते हैं कि पढ़ा लिखा लठैत, ये पॉलिटिकल वोकैबुलरी नहीं है, ना हमारे दल ने कभी किसी के लिए इस्तेमाल किया है इतने बड़े राजनीतिक जीवन में। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ इसका मूल्यांकन बिहार और देश के लोग करेंगे। मैं राजनीतिक भाषा की गरिमा का बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन हाँ, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो तरक्की करें और भी ऊँचे जाएँ। देखिए, मन में कुछ नहीं है, असल में ये समझना चाहिए, आप सब लोग तो ज़मीनी हकीकत से बहुत रूबरू होते हैं, कुशेश्वर स्थान में एक ऐसी आबादी का आज तक प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ था जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है वहाँ। जाहिर तौर पर अगर वो दस्तक देता है तो किसी भी डायनेमिक पॉलिटिकल पार्टी का धर्म है, उसका कर्तव्य है कि उस दस्तक को, उस आहट को सुने। हमने उस आहट को सुना, और जाहिर तौर पर मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि गठबंधन के तमाम दल क्या चाहेंगे, कि हम भाजपा जदयू को शिकस्त दें। अगर वो उद्देश्य है तो उद्देश्य की पूर्ति देखिए, ना कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों में जहां आपको चुप हो जाना चाहिए था वहां बयानबाजी।